सो हेलो गाइस, क्या हाल है सबके। तो यार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। यार आज का सीन कुछ ऐसा है, अभी मैं हूँ घर पे और यार आजकल मैं घर पे ही हूँ और आजकल कुछ काम नहीं चल रहा यार, तो सोचा आप सबके साथ ऐसे ही कुछ चीज़ें शेयर करते रहूँ यार। मतलब यूट्यूब में कुछ ना कुछ डालते रहूँ ना तो मज़ा आता है यार, रीच बढ़ जाती है थोड़ा बहुत। और यार रीच के लिए तो करना ही पड़ता है यार, और सब्सक्राइबर तो बढ़े नहीं है यार। मैं चाहता हूँ यार सब्सक्राइबर बढ़े तो थोड़ा बहुत वीडियो तो अपलोड करनी ही पड़ेगी यार। यार अभी का सीन कुछ ऐसा है, मैं हूँ घर पे यार और बहुत दिनों बाद यार घर पे पानी आया है यार। एक्चुअली में ऐसा है कि जो हमारे गांव की पाइपलाइन है उसमें थोड़ा बहुत काम वगैरह चल रहा है तो पानी नहीं आ रहा है गाँव में। तो एक आती है हमारे यहाँ पर घंटाकरण योजना, जो पानी यार हमारा आता है कोटेश्वर से, तो पानी मतलब काफ़ी 5-7 दिनों बाद आता है। तो यार आज ऐसे ही मतलब 4-5 दिन बाद पानी आया, तो यार अभी हम लोग सिंचाई वगैरह कर रहे हैं। गाइस अभी देखो मम्मी सिंचाई कर रही है। और सो यार ये जो घंटाकरण योजना है ये यार हमारे यहाँ ही नहीं बल्कि यार ये ऑलमोस्ट मतलब जो इस क्षेत्र में जितने भी गांव हैं, मतलब 8-10 गांव हैं, सभी गांव में ये पाइपलाइन आ रखी है। तो यार ये काम थोड़ा बहुत सही है। और इसका सीन ये है कि इसमें यार पानी बहुत कम टाइम में आता है, जैसे मतलब 7 दिन में या 5-6 दिन में एक बार आता है। जब से मैं घर आया मैंने कभी एक हफ्ते बाद ये पानी देखा होगा यार। तो ये है कि गवर्नमेंट है तो यार चलता है इतना। वैसे तो हमारे पानी है यार, हमारे घर के नीचे पानी है, ऊपर भी पानी है। तो यार एक्चुअली मैं लाने की दिक्कत होती है और तो कुछ नहीं, बट ये है कि जो घर में आता है वो बहुत कम है। तो यार सिंचाई करते करते अभी मैं बैठा हूँ यहाँ पे और मम्मी ने दिए हैं खाने के लिए ये अखरोट। भैया यार अखरोट खाने का ना मज़ा ही अलग होता है यार। ये यार हमारे यहाँ तो नहीं होते हैं, ये होते हैं ठंडे इलाकों में, हमारा थोड़ा है गर्म वाला इलाका। तो यार यहाँ अखरोट नहीं होते, यहाँ ज़्यादातर होते हैं मतलब आम केला और अमरूद के पेड़ ज़्यादा होते हैं। बट ये चेक करें अखरोट, इनमें खाने में ना भाई मज़ा आता है यार। सो गाइस अभी करते हैं सिंचाई और यार आपको कुछ सिनेमैटिक दिखाता हूँ, तब तक आप ये सब देखिए और इन्जॉय करिए। और कुछ काम तो है नहीं मेरा घर पे, बस यही करता रहता हूँ मैं दिन भर। सो गाइस जब तक यार ये मेरा पानी का फुहारा बढ़ता है तब तक मैं यार आपको अपनी सब्जियां दिखा लेता हूं हमारे खेत में क्या क्या सब्जियां हैं। ये देखिए यार यहां लगा रखे हैं कुछ प्याज और ये हैं आलू और बीच बीच में राई भी है और यहां मूली और राई सब लगा रखे हैं हम लोगों ने। और यहां देखो कुछ सरसों के पेड़ हैं और ये हैं तुम्हारे लहसुन के, और यार काफ़ी सारी चीज़ें लगा रखी हैं। मतलब इस खेत में हमारे 5-6 प्रकार की सब्जियां लगाई रहती हैं, मतलब हर साल हम कुछ ना कुछ लगाते ही लगाते हैं। टमाटर भी नहीं पर लग गया। गाइस छोटे छोटे टमाटर दिखो दे। हमारी सब्जी ना ऑर्गेनिक होनी, दवाई दवाई जरूरत नहीं पड़ दी, कुछ नहीं पड़ दी। ये देख सकते हैं गाइस ये हैं हमारे टमाटर, ये देखो कुछ इसमें पके हुए हैं कुछ कच्चे कच्चे हैं। और ये मम्मी तोड़ रही है टमाटर। अब पानी बंद हुई शायद, हेली मम्मी अब बंद ही होगी। ये डाल दूंगा मैं। धनिया डाल पड़ रहा हूँ फोन पे, जितना जितना मैं डालू उतना मैं डाले। एक्चुअली में गाइस ये है कि जो हमारे घर की सब्जियाँ होती हैं वो होती है ऑर्गेनिक, और यार हम लोग उनमें मतलब कोई भी मतलब कीटनाशक वगैरह या दवाइयाँ वगैरह नहीं डालते हैं। जो मतलब हमारे पानी वाले खेत होते हैं उनमें हम मतलब जैसे गेहूँ और धान हो गया उनमें हम लोग डालते हैं, बट हम लोग जो हमारे घर की ऑर्गेनिक सब्जियाँ होती हैं उसमें हम लोग
मतलब जैसे हमारा गाय का गोबर या भैंस का गोबर होता है सिर्फ वही डालते हैं और उसके अलावा हम लोग कुछ नहीं डालते हैं। सो यार अभी का सीन ये है कि अभी हो गया पानी बंद और इसको लेके मैं जा रहा हूँ घर पे। और चलो फिर मिलते हैं आपको थोड़ी देर में, तब तक के लिए बाय बाय। अभी आ चुका हूँ घर पे और अभी मेरे को मम्मी ने एक काम सौंपा है, वो काम निपटा देता हूँ। तो देखो यार मैं वो काम करके आ रहा हूँ। अभी फ़िलहाल मेरे को चाहिए एक प्लास और एक पेचकस, तो अभी ढूंढ रहा हूँ करना क्या क्या है, फिर आपको बताता हूँ क्या सीन है। अभी फ़िलहाल मैं ऊपर यार देख लेता हूँ ऊपर कहाँ रखा हुआ है। मेरे को पेचकस तो मिल चुका है बट अभी यार प्लास और ये रहा प्लास, फिलहाल ये दो चीज़ें उठा के अपना काम निपटा देता हूँ। फिलहाल मेरे को दोनों चीज़ें मिल चुकी है और अभी जाता हूँ मैं नीचे, तो मैं करके आ रहा हूँ आपको दिखा लेता हूँ। आप ब्लॉग में बने रहना। और हाँ यार जो लोग अभी अभी नहीं जुड़े हैं और यार मेरे को पहले बार देख रहे हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वो लाइक जरूर कर देना, ये वाला लाइक कर देना और कमेंट भी कर देना वीडियो कैसी लगी। और हाँ यार दोस्तों को शेयर कर देना। तो यार ब्लॉग में बने रहो। छोटी सी रसोई और मम्मी ने डाल रखे यहाँ पे चावल पकाने के लिए और ये चूल्हा। एक्चुअली में जो हमारे पुराने चूल्हे होते तो ऐसे ही होते थे देखो। और इसमें डाल रखी है दाल, अभी मैं दाल बनाने वाला हूँ इसके बाद। सो दोस्तों मैं बता रहा था मैं क्या करने वाला हूँ। ये है अंदर, ये है रसोई छोटी सी हमारी पलाई, इसको हम लोग बाहर निकालने वाले हैं। तो यार इसके लिए मैंने ये दोनों चीज़ें ले रखी है और इसको खोल के और रख देंगे बाहर। मम्मी ने इसको आधा खोल दिया है, अभी इसके बाद हम इसको निकाल के दूसरे घर में शिफ्ट करेंगे क्योंकि यार ये रास्ते में आता है तो इसमें पैर वगैरह लगते हैं। तो चलो इसको पहले निकाल के बाहर फेंक देते हैं। इसको अभी बाहर रख दिया है क्योंकि यार यहाँ पे दिक्कत हो रही थी, क्योंकि यार ऐसा है ना जब कोई गेस्ट वगैरह आते हैं तो यार हम लोग नीचे बैठ के खाते हैं और यार यहाँ पे जगह नहीं हो रही थी तो इसको हमने बाहर रख दिया है। उसको कहीं दूसरी जगह शिफ्ट करने वाला हूँ, अपना रखने वाला हूँ, अभी मम्मी बताएगी रखना कहाँ है इसको। दोनों चीज़ें बाहर निकाल दिए, इसको तो मैं बता मेरे को कहाँ एडजस्ट करना है बट इसकी दिक्कत हो रही है क्योंकि इसकी टांगें बड़ी हैं, इसको कहाँ रखना है। अभी सोच रहा हूँ उसको रखूँ कहाँ है, ये हमारा गौशाला, तो यार मैं सोच रहा हूँ इसको यहाँ कहीं एडजस्ट कर लूँ ऊपर, देखते हैं कहाँ होता है। सो गाइस इसको मैंने यहाँ एडजस्ट कर लिया है देखो, क्योंकि मस्त यहाँ है भैंस की घास और इसको यहाँ एडजस्ट कर दिया है, बाकी ये भैंस। सो गाइस अभी सब कुछ एडजस्ट कर लिया और यार मैं मुँह हाथ धो के रेडी हो चुका हूँ और इसके बाद खाना पीना खा लेते हैं और मिलते हैं आपको शाम को।